हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 68B, लेसन 11। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको बेटा ये बताया था कि आपको पिछले जो क्वेश्चन आंसर जो चल रहे थे हमारे पार्ट 11 के अभ्यास प्रश्न, उनमें हम अब तक 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, 7वां इस पाठ का। देखिए, अधोलिखित नाम नीचे लिखे गए पदानाम पदों का लिंगम लिंग, विभक्तिम विभक्ति, वचनम च और वचन, लिखत यानी लिखिए। तो देखो, धूलिम, धूलिम में कौन सा लिंग है बेटा? स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। विभक्ति द्वितीय और वचन एक वचन है। इसका दूसरा क्या है? नामनी, नामनी के अंदर देखो बेटा नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद में है अपर है। तो बेटा नाम धूलिम का अर्थ धूल को, नामनी नाम का, अपर यानी दूसरा, अपर यानी पुल्लिंग शब्द है ये लिंग में, विभक्ति इसमें प्रथमा आती है और वचन इसमें एक वचन है। इसके बाद चौथा है कन्या नाम यानी कि बालिकाओं का। तो कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द रूप है, विभक्ति षष्ठी है और वचन इसमें आएगा बहुवचन। इसके बाद में अगला है सहभागिताम यानी सहभागिता को, यानी कि इसमें सहयोग करना, जो स्त्रीलिंग शब्द रूप है, विभक्ति इसमें द्वितीय है और एक वचन है। और लास्ट है नापितई यानी नाइयों के द्वारा। तो नापितई पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। अर्थात जैसे रामय होता है, इस प्रकार नापितय होता है। ठीक है, तो ये 7th जो क्वेश्चन ए है, ये आपको CW में करना है। इसके बाद इसी का दूसरा भाग है आ, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार, उदाहरण के अनुसार या उदाहरण निर्देश के अनुसार, लकार परिवर्तनम, लकार का परिवर्तन कुरु यानी करो, यानी कि लकार बदलनी है। वचन और पुरुष समान रहेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, लकार का प्रयोग करना है। उसमें जिस पुरुष और वचन का प्रयोग है वही सेम यानी एक जैसा पुरुष और वचन लिखना है, लेकिन सिर्फ लकार जो बताया उसमें बदलना है उसको। जैसे पहला उदाहरण दिया यहाँ, सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है, इसको बदलना है लंग लकार है। तो सा शिक्षिका अस्ति मतलब क्रिया चेंज होती है हमेशा। तो सा शिक्षिका आसीत, वह अध्यापिका थी, यानी यहां बताया कि वह अध्यापिका है और फिर क्या लग लगा भूतकाल में क्या बनेगा कि वह अध्यापिका थी, ऐसे में बनाना है। पहला है सा अध्यापने संलग्न भवती, कि वह अध्यापन में संलग्न होती है या लग जाती है, इसको बनाना लिट लकार में, तो संलग्न होगी। तो सा अध्यापने संलग्न भवती, भवती के स्थान क्या आएगा, भविष्यति आ जाएगा। देखिए, तो यहां पर सेम लिखेंगे, सा का सा रहेगा, अध्यापने का अध्यापने रहेगा, संलग्ना का संलग्ना रहेगा, और यहां दिया है लिरिट लकार होता है भविष्यत काल, तो भवती इसमें बनता है भविष्यति। ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है। दूसरे में श्रेय त्रयोदश कल्प वर्ष अस्ति, इसको बदलना है लंग लकार में, तो ऐसे ही से त्रयोदश वर्ष कल्प है, अस्ति का बन जाएगा आसीत। इसके बाद में तीसरा है महिला तड़ागा जलम नयंती, कि महिला तालाब से जल ले जाती है, इसको बनाना है लोट लकार में, तो महिला का सेम महिला ही रहेगा। फिर लिखेंगे इसमें जैसे लिखा हुआ है तड़ागात, जलम का जलम ही रहेगा। अब यहां नयंती को लोट लकार बदल देंगे तो बन जाएगा नयंतु।
ठीक है बेटा, यानी सिर्फ हम क्या बदल रहे हैं, चेंज, यहाँ क्रिया को चेंज कर रहे हैं, बस देख लो आप ध्यान रहे, दिख रहा है सबका, क्रिया चेंज करनी है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे, इसको विधिलिंग लकार में प्रयोग करना है, तो वयम का वयम रहेगा, प्रतिदिनम को प्रतिदिनम ही लिखेंगे, पाठम का पाठम ही रहेगा, और पठामे को हम चेंज करेंगे तो भैया विधिलिंग बनेगा पठेम। और पांचवा है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, इसको बनाना है लिट लकार, यानी भविष्य काल में बदलना है, तो यूयम का यूयम यानी तुम सब, किम यानी क्या, तुम सब क्या विद्यालय, विद्यालय में बन जाएगा, तो यहाँ जा रहे हो लेकिन लिट भविष्य काल बताएंगे तो जाएंगे, तो बन जाएगा इसमें गमिष्यत। इसके बाद ये लास्ट टच है कि ते बालका विद्यालयम विद्यालयात गृहं गच्छन्ति, कि वे सब बालक विद्यालय से घर जाते हैं, तो लंग लका प्रयोग करना है तो जा रहे थे आ जाएगा, तो यहां पर इसका बनेगा ते बालका का बालकः, विद्यालयात का विद्यालयात ही रहेगा बेटा, इन सिर्फ क्रिया को चेंज करना है हमें, तो और कुछ नहीं, बस सेम रहेगा, बाकी ग्रहम का ग्रहम और गच्छन्ति को लंग लकार बताएंगे तो भैया बहुवचन बनेगा इसका, ए गच्छन, ठीक है जी बेटा। तो ये आ वाला भी आपको CW कॉपी में ही लिखना है, इसमें जरूर ध्यान रखना है थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ ए भवत नहीं आएगा, इसकी जगह पर भविष्यति है जो मैंने लिख दिया है वैसे तो, ठीक है बेटा, बाकी ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको, तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही, ओके स्टूडेंट्स।